हेलो फ्रेंड्स, ये आज मैं फ्राई साबूदाना बना रही हूँ जो उपवास में खाया जाता है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब साबूदाना लिया था, जिसे चार घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। ये बड़े साइज का आलू है, उबला आलू। एक कटोरी मूंगफली लिया था, जिसे तवे में अच्छे से भूंज लिया था, ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया। ये छोटा चम्मच जीरा है, ये उपवास वाला सेंधा नमक है, ये है 8 से 10 काली मिर्च पाउडर। अब ये मैंने गैस स्लो फ्लेम में चालू कर लिया है। इसके लिए मैंने पहले जीरा डाला है। जीरे के साथ ही आप काली मिर्च, उसके पहले मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल जब गर्म हो गया तो उसमें फिर मैंने जीरा डाला। जीरा भुनने लगा है, ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें डालूंगी ये पिसा हुआ काली मिर्च। ये फ्लेवर, ये इसको ना ऑयल में डालो तो अच्छा फ्लेवर आता है साबूदाना में। मैंने स्लो कर लिया है गैस का फ्लेम। ओके, अब क्योंकि कम आँच, ज्यादा आँच में ये जलने का डर रहता है। फिर उसके बाद मैंने ये आलू थे जो उबले हुए, उसे छोड़ दिया है। इसको मैंने चला लिया बढ़िया से। इसको कम से कम 1 मिनट तक इसको बढ़िया सा पकने दें। ये और ये आलू उबले हुए थे तो ज़्यादा पकाने की, ये आलू पक चुके हैं, स्लो किया था अपने, ये कम से कम 1 मिनट तो पकाया है मैंने। अब इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है, नमक के साथ पकाया। फिर ये जो बनी हुई ये था ना मूंगफली, मूंगफली को भूनकर बढ़िया से मिक्सर में पीस लिया है, इसको भी छोड़ दिया मैंने। ये देखिए, यदि आपको स्वाद बनाना है, यदि आपको टमाटर भी पसंद है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं आलू के साथ। अभी बढ़िया ये बच्चे से बढ़िया से पक चुका है, लगता नहीं है। अब मैंने ये इसमें साबूदाना छोड़ दिया। कम से कम इसको आप स्लो फ्लेम में 2-3 से 4 मिनट तो कम से कम पकाइए। मैं अभी चला रही हूँ, उसके बाद मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी और ढक कर रख दूंगी ढक्कन से। अब मैं अगले वीडियो में ये जरूर बताऊंगी कि साबूदाना मैंने कैसे भिगोया था, कितने देर के लिए। ये देखिए, अब मैं 2 से 3 मिनट बाद इसको खोली, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम में पका हुआ। ये पहले साबूदाना वाइट दिख रहा था, ये पकने के बाद ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम है मेरा, उसी में पका है। ये देखिए इसका वाइट जो दिखता है ना साबूदाना, जब पकता नहीं है तो अलग ही समझ में आता है। ये अपना पक गया है अच्छे से, इस कारण से ये इतना अच्छा दिखने लगा। ये लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। आप इसमें हरी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। अभी ये बन चुका अपना, तैयार हो गया। इसको ढककर आप बढ़िया से रख दीजिए। अब आप बढ़िया से इसको फास्ट में उपवास में खा सकते हैं। ये ऐसा बनाते हैं तो इसमें मिर्च नहीं है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे शौक से खाते हैं इसको। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, बट मैंने अभी इसमें नहीं डाला है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।